सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का टीजर रिलीज हो चुका है और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया है। अब जबकि फिल्म 23 जून को दर्शकों के सामने आने वाली है, तो धीरे धीरे फिल्म से जुड़ी प्रमोशन शुरू कर दी गई है। 16 मई को सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का पहला गाना रिलीज किया जाने वाला है। इस गाने का टाइटल होगा द रेडियो सॉन्ग। बहरहाल गाने की रिलीज से पहले एक और पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखकर आप सलमान पर फिदा हो जाएंगे। बता दे, यह गाना भारत में नहीं बल्कि दुबई में लॉन्च किया जाएगा। वहीं इस नए पोस्टर से कहीं ना कहीं फिल्म में सलमान के किरदार को लेकर एक इशारा किया गया है। हालांकि टीजर से कहानी की कुठी थोड़ी बहुत तो खुली है, लेकिन इस पोस्टर ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। ऐसी हो सकती है ट्यूबलाइट की कहानी। ट्यूबलाइट की कहानी 1962 में हुई भारत चीन युद्ध पर आधारित है। यह दो भाइयों की कहानी है, जहां एक भाई युद्ध के बीच कहीं गायब हो जाता है और फिर दूसरा भाई सलमान खान उसकी खोज के लिए निकलता है। सलमान खान के किरदार का नाम है लक्ष्मण, जिसकी देखरेख करता है उनका भाई। बड़ा या छोटा फिलहाल नहीं पता, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं और एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। फिल्म में सलमान खान के किरदार का नाम है लक्ष्मण। फिल्म में वे ऐसे इंसान बने हैं जो चीजें काफी धीरे समझता है, लेकिन वह सारे कमियों से लड़ता है और अपने खोए भाई को ढूंढता है, जो भारत चीन युद्ध में गायब हो जाता है। इस दौरान सलमान को मिलता है एक जादूगर शाहरुख खान, जो सलमान की कहिया पलट करता है और भाई से मिलाने में मदद करता है। सलमान खान भाई को ढूंढने चल पड़ते हैं। हालांकि भारत चीन के बीच इस दौरान तनाव काफी बढ़ जाता है और सलमान को उनकी मंजिल तक पहुंचने से पहले कुछ और साथी मिलते हैं। बहरहाल कबीर खान ने अभी भी कहानी में कई ट्विस्ट छिपा कर रखे हैं। लक्ष्मण को उसका भाई मिलता है या नहीं, सलमान चीन तक पहुंच पाते हैं या नहीं, कौन करता है सलमान की मदद, ये सभी बातें फिल्म के लिए उत्साहित करती हैं। ऐसी मसालेदार खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल खबरी नेटवर्क के साथ।